में कहाँ से आए? राजस्थान से, जोधपुर जिला भीलड़ा से। अच्छा, क्या होता? बहुत सर दर्द था, माइग्रेन से बहुत दर्द था। 10 साल हो गए मेरा माइग्रेन है। डॉक्टर से दवाई खा रही थी? डॉक्टर से दवाई खाई थी। यहाँ रहते हुए क्या दिन हुए? यहाँ 5 दिन हो गए। आज 5 दिन के बाद लगता है माइग्रेन है? नहीं, दर्द नहीं, गोली भी नहीं खाई 5 दिन से। 5 दिन से दवाई भी नहीं खाई और माइग्रेन भी ठीक हो गया। जोर से। 2 दिन से दवा भी नहीं लगा रही हूँ। अगर लगाती थी कुछ? बहुत लगाती थी सर दर्द की दवा। कब से हो रहा था ये? 10 साल से। 10 साल से। कौन कौन से हॉस्पिटल से दवाई खाई? बहुत, बेंगलोर, पूरा बेंगलोर में दिखा दिया। हाँ। पूरा जोधपुर में दिखा दिया। बेंगलोर में रहती हूँ मैं। हाँ। बेंगलोर से आई है, राजस्थान से बेंगलोर रहते हैं। जोधपुर में भी दिखा दिया? पूरा जोधपुर में दिखा दिया। डॉक्टर ने बोला कहीं भी चले जाओ, आपका माइग्रेन ठीक नहीं होगा। डॉक्टर बोल रहा था? वो ठीक बोल रहा था? उसकी बड़ी बड़ी दवाइयों से कुछ हुआ ही नहीं? बोल रहे थे बहुत पेट बढ़ रहा है लेकिन ठीक। कौन से डॉक्टर ने बोला? बहुत सारे डॉक्टर बोल दे, सभी वही बोल रहे थे। बोले अब लाला लाला ले ले, ठोसा ले ले, मेरा ठेंगा ले ले, मेरा तो हो गया ठीक। अब डॉक्टर को क्या बोलेंगे आप? ठीक हो गए हम इधर आए। तो आप क्या कहेंगे उनसे? ये वीडियो जा रही है। डॉक्टर को ये बोलो कुछ सीख लो मनु भैया से, बोल दो हम आके ठीक हो गए। तुम मनु भैया से कुछ सीख लो, तुम मनु भैया से आप सीख लो। हाँ, कम से कम लोगों को ठगोगे तो नहीं? 10-10 साल दवाई तो नहीं खिलाओगे? हम ठीक हो गए इधर आके। क्या साल दवाई खाई? 10 साल। इसलिए कहता हूँ डॉक्टरों से, इनमें से कोई सा भी रोग नहीं जाता, ना माइग्रेन, ना सर्वाइकल और ना गठिया भाई। और सारी जिंदगी दवाई देते रहते हैं। 500 साल, 5000 वर्ष तक एलोपैथी लगातार अनुसंधान करे तब भी एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं बनेगी, क्योंकि रोग ही नहीं है, बस उसने नाम रख दिया है। शरीर में प्रेत होता है और वो कभी माइग्रेन बता देता है, कभी गठिया भाई, कभी कुछ बता देता है। ठीक करके दिखाए ना एक भी आदमी को। डॉक्टर को पास जाते तो जांच कराओ, वो जांच कराओ, पूरे जांच करवा दिया। प्रत्येक डॉक्टर केवल जांच कराने पर, जांच कराने में और इलाज होने में कितना पैसा लगा? कुछ भी, 1 रुपए भी नहीं लगा, लेकिन हम ठीक हो गए। कम से कम जांच कराने का पहला टेस्ट कितने का होता है? 1 रुपए भी नहीं लगा इधर। अगर डॉक्टर टेस्ट कराता है तो कितने का होता है? कम से कम 5000 लगते हैं, फीस के 500 रुपए लगते हैं।